प्यार करो ना, एतबार करो ना, ख्याल करो ना, मदद करो ना। सलमान भाई, गाइज वेलकम टू पीपल, मैं हूं काश और आज हम बात करेंगे कमाल आर खान। इतना मारूंगा मार तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? और गाइज अगर आपको लग रहा हो कि मैं राइम क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए पहली बार मैं करने वाला हूँ रैप, मैं करने वाला हूँ डेथ। तो अगर वो आपको देखना है, वो आपको सुनना है, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर वेट करिएगा, क्योंकि हम बात भी तो कर रहे हैं ऐसे दो सॉन्ग्स की। तो मुझे लगा कि अगर जवाब देना चाहिए कमाल आर खान को, तो एक रैप या एक सॉन्ग के थ्रू ही करना चाहिए, तो वो आप देखेंगे। पर इससे पहले हम कमाल आर खान की बात करें, बात करते हैं गाइज दो सॉन्ग्स रिलीज हुए, सलमान खान का प्यार करो ना, प्यार करो ना, और शाहरुख खान का सब सही हो जाएगा। सुन ना यार, सब सही हो जाएगा। और इन दोनों सॉन्ग्स में जो एक एलिमेंट है जो कि बहुत एपेरेंट है, जिसकी बात होना चाहिए, जिस पे तूल देना चाहिए, उसकी बात तो कमाल आर खान करते ही नहीं है, पर वो ऐसी बातों को तूल देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है इन सॉन्ग से। तो चलिए बात करते हैं ऐसा क्या उन्होंने बोला सलमान खान के इस सॉन्ग के बारे में। आप ये बताओ भाई, इस आवाज के साथ आपको किसने बताया था पहली दफा कि आप सिंगर हो? सच बताना भाई जान। मेरे को एक बात बता, झूठ बोलता है कि भाई तुम्हें किसने बताया था कि तुम एक एक्टर हो और तुम एक डायरेक्टर हो? अरे यार मारा बहुत तेरी, अरे यार बहुत तेरी। क्योंकि जो तुमने किया ना, उसके लिए तो तुम्हें एक बहुत बड़ा पीप अवार्ड मिलेगा, बिकॉज पीप अवार्ड्स आर कमिंग सून। और कुछ आई नो दैट कुछ ऐसे भी लोगों ने तुम्हें अवार्ड्स दिए जिनको लेने के बाद तुम्हारी सटक गई। आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट बाल्टी अवार्ड या जा रहा है टू नन अदर देन आवर मोस्ट लव्ड केआरके। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज, होल्ड द गोल्ड। पर तुम सलमान खान को बोल रहे हो कि भाई ऐसे वाहियात अल्फाज आज के जमाने में कोई लिखता है क्या भाई? तो एक बात बताओ, क्या तुमने इस गाने के लिरिक्स सुने हैं? तुम्हें समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन में क्यों आया सॉन्ग? क्यों सलमान ने ऐसा सॉन्ग पहले नहीं गाया? इसका रीजन क्या है? उससे बात करने से पहले आई मस्ट टेल यू कि सलमान खान ने अभी तक करा क्या है। उन्होंने 25,000 डेली वेज वर्कर्स की सहायता करिए 3,000 रुपए देकर एवरी मंथ, जो कि टोटल अमाउंट करीबन 20 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। और उन्होंने फार्म हाउस पे अपने रहते हुए, जब बड़े लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं, क्वारंटीन में, ये सोच रहे हैं कि हम टाइम कैसे पास करें, सलमान खान घुड़सवारी तो कर ही रहे हैं, डेली वेज वर्कर्स की हेल्प तो कर ही रहे हैं, साथ में ये सॉन्ग भी बना रहे हैं, और साथ में एक और चीज कर रहे हैं, वो फूड सप्लाई दे रहे हैं, ट्रक्स भर भर के उन्होंने उन लोगों को खाना दिया कि जो इस पैंडेमिक से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, जिनकी जॉब जा चुकी है। तो ये करते हुए जब उन्होंने गाना लेकर आए, तो मेरे जैसे कुछ लोग तो ये सोच रहे थे वाओ, बिकॉज ऐसे टाइम में भी अपने टाइम को यूज़ करना, एक किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को एंकरेज करने के लिए, बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो फियर में हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो एंशियस हैं, और उन लोगों को थोड़ा भी वर्ड मोटिवेशन फ्रॉम देयर स्टार बहुत मैटर करता है। बिकॉज ये जो लोग हैं ना, ये जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये लोग 30 साल से हार्डवर्क करके इन्होंने दिलों में जगह बनाई है, और जब आप दिलों में जगह बना लेते हैं ना, तो आपका कुछ भी कही हुई चीज़, कैसे भी कही हुई चीज़, लोगों को बहुत मोटिवेट और एंकरेज करता है कमाल आर खान। तो जब आप ये बोलते हैं ना कि वो सिंगर अच्छे नहीं है, उन्होंने गाना क्यों गाया, भाई ऐसे वाहियात अल्फाज आज के जमाने में कोई लिखता है क्या भाई? उनको लोग चमचागिरी कर रहे हैं, तो वो तो यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। एंड देन यू कंपेयर्ड हिम टू अ लेजेंड, यू सेड समथिंग लाइक दिस, कहां अल्लामा इकबाल साहब और कहां आप और कहां आपका ये गाना। तो यहां जब ये सारे जहां से अच्छा की बात हो रही, तो यहां कोई कंपैरिजन नहीं है केआरके। सारे जहां से यहाँ टुगेदरनेस की बात, और टुगेदरनेस को दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये सॉन्ग है, बिकॉज दिस सॉन्ग्स यू नो आई गेट गूस पिंपल्स, आई डोंट नो अबाउट यू, पर यहाँ ये कंपैरिजन कहाँ से आ गया उस दो पर्सनालिटीज़ के बीच में? यहाँ बात हो रही है टुगेदरनेस की, और जो म्यूजिक है उससे सबसे ज़्यादा भावनाएं जुड़ती हैं लोगों की, और इसको जब आप सुनते हो, वो भी सलमान खान जब बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स मैनी पीपल विल गेट मोटिवेटेड, बट यू आर मिसिंग दैट पॉइंट। बात
भाई उनका घर कहां से चलेगा? यू मिसिंग द पॉइंट के आरके, इट्स नॉट अबाउट बींग टेक्निकल. अगर ऐसा होता ना तो रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स फिर से सबसे ज्यादा टीआरपीज गेन नहीं करते. लोगों की भावनाएं बहुत मैटर करती हैं. लोगों को चाहिए पॉजिटिविटी, लोगों को चाहिए. और पॉजिटिविटी किसे चाहिए? ऐसे लोगों से जिनको वो प्यार करते हैं. आपका डांस तो मतलब माइकल जैक्सन से भी ऊपर है. और केआरके यू आर मिसिंग दैट पॉइंट. क्योंकि देखिए जब एमजे माइकल जैक्सन जब परफॉर्म करते ना तो लोग जो है जो लड़कियां हैं फेंट हो जाती थी. लोग फेंट हो जाते चाहे लड़के लड़की. इसलिए फैन नहीं होते थे कि माइकल जैक्सन डांस बहुत अच्छा कर रहा है, माइकल जैक्सन गा बहुत अच्छा रहा है. माइकल जैक्सन की इज अ पर्सनालिटी, लोग उनसे प्यार करने लगे थे. और माइकल जैक्सन कुछ भी करूं को जब देखने से ही लोग फेंट हो जाते थे, इतना प्यार करते थे. तो यू मिसिंग दैट पॉइंट. इट्स नॉट अबाउट हाउ वेल सलमान खान इज सिंगिंग. पॉइंट इज कि सलमान खान अपनी लिरिक्स में छुपे मैसेजेस क्या दे रहे हैं. और यही मैसेज दोनों ने शाहरुख खान ने और सलमान खान ने अपने गानों से दिया. दिखाओ ना बहादुरी, इस बार थोड़ा कायर बनो ना, गिटार बजाओ गाने गाओ, घर पे बैठ के शायर बनो ना. और मुझे तो लगता है इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स वाइल नॉट ओनली सलमान खान बट शाहरुख खान हैज ऑल्सो डन अ लॉट. उन्होंने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए, उन्होंने कुक्ड मील्स दिए, उन्होंने किचन सेटअप करी. उनकी हर कंपनी जो उनके अंडर है वो कुछ ना कुछ कर रही है. बहुत सारी फैमिलीज इंपैक्ट हो रही है पॉजिटिवली. और यही जो है मोटिव वो आगे लेकर गए अपनी क्रिएटिविटी के साथ. अब घर पे हैं और क्या करें, चलिए लोगों को एंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं. एंड जहां सलमान खान बहुत इंटेंसली अपने गाने में गा रहे हैं, वहीं शाहरुख खान एक चर्बी स्टाइल से, एक फनी स्टाइल से, एक इंटरेस्टिंग स्टाइल से बड़ी चर्पी सी बीट गा रहे हैं, वो भी अपने बेटे के साथ. और क्या लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह. I'm simply in love with that beat. इन दोनों सॉन्ग्स को देखें जहां कमाल आर खान मजाक उड़ा रहे हैं लिरिक्स का सलमान खान की सॉन्ग की और कि भाई आप लिखते क्यों हैं, वहीं जो मैं देख रहा हूं कि सम अमेजिंग लिरिक्स. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट SRK, उनके सॉन्ग्स में लिरिक्स इतनी क्रिएटिव हैं कि एवरीबॉडी कैन रिलेट टू इट. सब नेटफ्लिक्स Amazon वगैरह देख के थक चुके हैं. शोज देख देख कर थक चुका हूं. ही इज टॉकिंग अबाउट कि कंपटीशन छोड़ो यार, अभी ठीक हो जाएगा, सबके फिजिक बन जाएंगे वापस, डोंट वरी. कंपैरिजन करके दिल छोटा हो जाएगा, अबे रहन देना यार. ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द लाइफ व्हिच हैज गॉन सो बोरिंग. और ये बड़ी सिंपली जो एम्पैथाइज ही नहीं कर रहे वो, बट वो साथ में एंड में ये मैसेज भी दे रहे हैं कि फिर सब ठीक हो जाएगा, दिवाली आएगी, ईद आएगी, वी विल ऑल बी बैक टुगेदर, वी विल ऑल बी एबल टू एंजॉय टुगेदर. हम साथ हो तो हर मसला छोटा हो जाएगा. So this is, I think, very positive song. और वहीं सलमान खान is talking about sharing, caring. He is talking about मदद करो, patience रखो, care करो. इंसानियत के लिए तुम लड़ो ना, साथ मिलके fight करो ना. He is talking about ये मत करो, वो मत करो. It's all what? It's creating awareness in a very creative manner. और guys मुझे लगता है जो जितने भी लोग गांव में हैं, जितने भी लोग rural areas में हैं, उन लोगों को message पहुंचाना होता तो ये इससे बढ़िया message कोई हो ही नहीं सकता. Because you don't need big debates, you don't need the posters and slogans, you need these creative words. Because जब शाहरुख खान और सलमान खान बोलेंगे और ऐसे hidden messages देंगे तो of course वो बात subconscious तक जाएगी, अंदर तक जाएगी. टाइम का काम है चेंज होना, चेंज होगा, ये सारा सिस्टम देखो फिर से रीअरेंज होगा. और लोग थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, आई एम 100% श्योर अबाउट दैट. बट कमाल आर खान को कौन समझा है भाई. कसम से आपके गाने को सुनकर जो आसपास परिंदे भी होते हैं ना वो भी उड़ जाते हैं. और मुझे लगा कि कमाल आर खान को समझाने के लिए एक और तरीका है. क्यों ना जिस तरह उन्होंने सलमान खान को रोस्ट करने की कोशिश करी है, तो कहते हैं ना थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. उसी तरह केआरके को रोस्ट करने के लिए मुझे लगता है एक डिस्क की जरूरत है. चलिए हम भी कुछ और करते हैं, एक डिस्क करते हैं. द नंबर वन क्रिटिक द ब्रांड केआरके. ओए केआरके, प्लीज ओपन योर डीएम. देख मेरे पास तो स्विमिंग पूल है पर मुझे लगता है तेरे भेजे में है पानी कम. और सुन मेरी बात, और सुन मेरी बात, तेरे दिमाग का दरवाजा बंद है. तू एक इंसान नहीं, तू एक गंध है. इट्स माय चॉइस. तू खाता क्या है, पीता क्या है, तुझे किस चीज का घमंड है. जब भी मुंह खोलता है तू करवाता अपनी झंड है. यार ये तो बहुत गलत कह दिया इसने. सुन हाँ, 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 हाँ. समझ, मैं जाग गया, तेरी पेटी बनाने का वक्त आ गया. चाहे गंदगी निकाल, चाहे सर पे लगा ले कितने भी बाल, तेरी बजाने का मौसम अब आ गया. अरे आप लोग आइए ना, प्लीज आइए ना. मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था. और हाँ हाँ, मिलूंगा मैं जल्दी मैदान में तुझको. हाँ, शुक्र मना, क्वारंटीन की वजह से सब बंद है. ओ तेरी की बारे यार, ओ तेरी की बारे.
कैसे चलेगा मेरे भाई, करियर खत्म हो जाएगा। अगर दोबारा मेरे साथ कभी भी ऐसा हुआ तो मैं देश हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। समझने की कोशिश कर मेरे दोस्त। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था।